नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन खरबाना नहीं दिल्ली से। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा अलग लेके आया हूँ। टोन तो मेरी आपने सुनी ली है। मुझे काफ़ी दोस्तों ने, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर आप लूप के बारे में कुछ वैरायटी जो है लाइब्रेरी कुछ हमारे को दें। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए थोड़ा सा लूप के लिए कलेक्शन लेके आया हूँ। अगर आपको लूप चाहिए तो मेरे पास लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लूप की आपको वैरायटी अच्छी मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सर आपके लिए एक पेन ड्राइव लेना है। जैसे मैंने पेन ड्राइव ले रखा है, ये पेन ड्राइव होना चाहिए आपके पास। ये पेन ड्राइव को आपने कीबोर्ड से फॉर्मेट करना है और उसके अंदर एक यही कीबोर्ड अपने एक फोल्डर बना देता है सॉन्ग लिस्ट के नाम से। सॉन्ग लिस्ट के अंदर ही आपको सारे जो लूप डालने होते हैं, ठीक है। और मैं अब आपको यहाँ पर पेन ड्राइव लगा के और आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे लूप इसको चलाने हैं। ये देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दिया है और अब मैं कीबोर्ड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने कीबोर्ड ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारे जो है ये कीपैड पे ये ब्लिंक होनी है, ये लाइट जो है ये लोड हो गए हैं। अब मैं आपको छोटा छोटा एक डेमो दे दूंगा कि लूप का। और ये बटन जो है ये भी बता देता हूँ, ये हमारा है लिस्ट का बटन। लूप हमने चेक करने कौन कौन से अब लूप हैं। और ये हमारा लूप का जो बटन है, अगर मैं लूप ये ऑफ रहेगा तो ये कंटिन्यूस नहीं बजेगा, ये रुक जाएगा बीच में। तो इसलिए अगर हम जब बजा रहे हो तो ये इसको ऑन रखना चाहिए। अगर कोई कुछ लोगों को नहीं मालूम होता कि सर वो कहते हैं बजाते बजाते रुक गया है, तो ये लगा दीजिए, लूप को ऑन कर दीजिए तो आपका कंटिन्यूस बजेगा। और मैंने यहाँ पे लिस्ट का बटन दबाया और लिस्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे सारे जो आ गए हैं, शंख आ गया है, आओ माझ जी। अब मैं इसी को जो भी हमने लूप यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसके बाद एक बार एंटर जोर दबाना है, ये एंटर, ताकि ये लोडिंग ले सके। ये देखिए लोडिंग ले रहा है और ये हमारा लोडिंग आ चुका है। अब हम सुनते हैं थोड़ा थोड़ा वैरायटी इसके अलग अलग। और ये वॉल्यूम कंट्रोल है लूप का। देखिए ये रुक गया है, मैंने यहां पे लूप ऑफ कर रखा है। अब इसको ऑन करके कंटिन्यू चलेगा। आज दोस्तों मैंने नेक्स्ट लूप जो है ले लिया है और ये अभी ऑलरेडी चल गया है। ये B1.1 है। ये जो पैटर्न है दोस्तों, जैसे जागरण में जो लोग फास्ट मैटर पैटर्न बजाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सुनिए ज़रा। आइए दोस्तों ये नेक्स्ट पैटर्न में हम आ गए हैं। मैंने लिस्ट का बटन दबा दिया यहाँ से और ये हमारा पैटर्न आ गया है। ये B फ्लैट की दुगुन में बना हुआ है। आइए सुनते हैं इसका, जो पहले जो त्रिकट तोड़ा हुआ है सब बने इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट में है हमारा है एक भजन ठेका। ये मैंने यहाँ पे भजन ठेका का मैंने लिस्ट लगा ऑन कर दिया है और ये हमारे पास आ गया है भजन 3। आइए इसमें थोड़ा सा वैरायटी देखते हैं क्या है। ये दोस्तों नेक्स्ट में हमारा है, ये बहुत फेमस हुआ था मास्टर स्लिम का भोले दी बरात, ये उसका पैटर्न है। आइए सुनते हैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट में हमारा है
ये बॉलीवुड का है, आर डी बर्मन स्टाइल में, ये सारा पैटर्न पंचम दाग है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, ये हमारा, ये भी एक हमारा जागरण के लिए या भजन संध्या के लिए थोड़ा सा फास्ट पैटर्न वाला, अच्छा पंजाबी स्टाइल में बना हुआ ये। आइए दोस्तों, नेक्स्ट में हमारा है पंजाबी स्टाइल के अंदर, ये पंजाबी पैटर्न है टोटल, ये म्यूजिक कट पार्ट है, ये इसमें म्यूजिक काट के डाले हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट में हमारा ये भी पंजाबी पैटर्न के ऊपर ही बना हुआ है, आइए सुनते हैं। जो नेक्स्ट में हमारा है ये डफ का पैटर्न है, आइए सुनते हैं। और नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा एक ढोलक का और तबला मिक्स है, ये पैड मिक्स है, ये तीनों चीजें मिक्स होके आ रही हैं, सिंगल कैरमा के अंदर है। इसके अंदर एक वैरायटी और दे रखी है म्यूजिक कट पार्ट के, जो इंट्रो पार्ट है म्यूजिक के बॉलीवुड के, उसमें आप इसमें गाना बजाना चाहे बजा सकते हैं। नेक्स्ट में है ये वेस्टर्न डुगन के अंदर पैटर्न है, ये जागरण चौकी के लिए बहुत बेस्ट बेस्ट है ये। और ये म्यूजिक का ये पंजाबी का एक पार्ट है, ये पंजाबी के सुनते हैं जी। ये सुनते हैं पंजाबी ढोल। और ये थोड़ा फास्ट कैरवा का पैटर्न है, ये भी जागरण का मैटर है इसमें।
ये सुनते हैं, ये हमारा पंजाबी यूपी बिहार सब राजस्थान सब जगह बजने वाला पैटर्न। ये सुनते हैं, ये है गरबा का पैटर्न। ये पंजाबी फास्ट पैटर्न है ये वाला। दोस्तों ये भी एक पंजाबी स्टाइल में पैटर्न बना हुआ है, पंजाबी का ही है ये। और ये सुनते हैं दोस्तों, ये है हमारा मराठी ढोल। ये भी एक जागरण का पैटर्न है। अरे दोस्तों ये सुनते हैं, हमारा महाराष्ट्र का लावणी का जो पैटर्न है। दोस्तों ये हमारा है पंजाबी में जो मिर्जा एक पैटर्न आया था, वो है ये। दोस्तों ये है हमारा पंचम दा का पैटर्न, काफी गाने बजे हैं इस पे। दोस्तों ये है हमारा एक गरबा का ही पैटर्न है, जो साईं संध्या में साईं भजन में चल सकता है ये। और ये दोस्तों ये है हमारा भोजपुरी स्टाइल में पैटर्न है। दोस्तों मैं तबले का पैटर्न इसके अंदर बहुत सारे हैं, मैं आपको सिर्फ एक छलका सा एक उसका डेमो दे रहा हूँ।
दोस्तों ये मैं थोड़ा सा डेमो दिया आपको, जैसे तो बहुत सारे लूप हैं करीबन सैकड़ों हज़ारों लूप हैं मेरे पास, तो सभी का डेमो तो नहीं दे सकता मैं, तो मैंने एक सैंपल दिया है। तो अगर आपको ये अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और अगर किसी को चाहिए हो तो मैं पूरा पैकेज दूंगा उसको, पूरा बंडल दूंगा जिसके अंदर काफ़ी सारे लूप हैं, पूरा बंडल के अंदर तो बहुत बहुत होंगे। ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा सैंपल दिया है, ये 100 में से आप समझ लीजिए 10% नहीं है। तो अगर आपको किसी को चाहिए हो XPX 10 XPX 30 दोनों के लिए ये लूप अवेलेबल हैं। टोन तो आप जो ले रहे हैं काफ़ी लोगों ने ली है जो पसंद कर रहे हैं मेरी XPX 10 की और XPX 30 की दोनों की, तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखते रहें जो भी, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो चीज़ आपको समझ ना रही हो, कीबोर्ड के बारे में कुछ पूछना हो तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, जरूर मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और जो भी आपकी राय हो मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी सब ठीक है, चैनल मेरा देखते रहें, सभी लोगों का, सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।